दोस्तों, अगर आप फोटो एडिटिंग करते हैं, वहाँ पे आपको बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ता है या PNG फाइल बनाना पड़ता है। तो आज के वीडियो में हम आपको तीन ऐसे फ्री वेबसाइट के बारे में बताएंगे जिसकी मदद से आप PNG फाइल या अपने बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं बिना किसी ऐप के मदद से। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको आ जाना है अपने गूगल क्रोम पे। यहाँ पे सिंपली आपको टाइप करना है बैकग्राउंड रिमूवर। जैसे ही टाइप करेंगे तो आपको टॉप में तीन वेबसाइट दिख जाएंगे। पहला है www.remove.vg, दूसरा है एडोब का है, तीसरा रिमूवल AI है, इसके बाद है caesar.com। तीनों की कैपेसिटी और टाइमिंग हम चेक करेंगे एक एक करके। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ, ये पिक्चर हमको रिमूव करना है, इसका डिटेल्स चेक कर लेते हैं। ये लगभग 5 MB का है पिक्चर, यहाँ पे देख लिए। अब चलिए हम इस पे चलते हैं, सबसे टॉप वाले पे इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ अपलोड इमेज है, इस पे क्लिक करना है। फिर आपका जो भी पिक्चर है वो सेलेक्ट कर लीजिए और देखता हूँ मैं इसका टाइमिंग कितना है। ठीक है, ये सेलेक्ट करते ही मैं टाइमर यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। कितने सेकेंड में ये रिमूव करता है ये आप खुद देख लेंगे। तो लगभग 30 सेकेंड में दोस्तों इसने रिमूव कर दिया, ये देख रहे हैं 30 से 33 सेकेंड में कर दिया। अब मैं डाउनलोड करता हूँ, ये डाउनलोड HD देख रहे हैं, इस पर क्लिक करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो है गेट इट इमेज फ्री, एक क्रेडिट दिया है, मतलब एक दिन में आपको एक क्रेडिट मिलता है। साइन अप करेंगे तो आपको, चलिए मैं साइन अप करके दिखता हूँ। कंटिन्यू फेसबुक, देखता हूँ इसका HD क्वालिटी कितना अच्छा होता है या नहीं। ये क्रेडिट नहीं है, इसके लिए पैसे मांग रहा है, तो हम ये नहीं करेंगे, आपको रिकमेंड्स करेंगे यहाँ से आप मत करिए। आप डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, इसकी क्वालिटी तो अच्छा होगा नहीं, फिर भी चेक कर लेता हूँ मैं आपको दिखाने के लिए। चलो ये डाउनलोड हो गया है, अब हम गैलरी में चलते हैं और अभी जो मेरा PNG हुआ है डाउनलोड, यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं इसका डिटेल्स चेक करते हैं कितने MB का है। ये तो 195 KB का है, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया इसने। अब चलिए हम दूसरा जो है उस पर क्लिक करते हैं, दूसरा जो वेबसाइट था हमारा उस पर चेक करते हैं इसकी क्वालिटी। इसके HD के लिए आपको सिर्फ एक ही पिक्चर एक दिन में रिमूव कर सकते हैं। अब चलिए दूसरा एडोब जो है इस पर चेक कर लेते हैं इसकी क्वालिटी और परफॉर्मेंस कैसा है। टाइमर को मैं 0 कर देता हूँ, अपलोड योर फोटो पे क्लिक करता हूँ, एक नया इंटरफेस खुल रहा है, अब यहाँ पे देखता हूँ। अपलोड इमेज पे क्लिक कर देना है आपको और अपने गैलरी से जो भी पिक्चर है वो ले लेना है। चलिए मैं ब्राउज में जाता हूँ और जो भी पिक्चर था मेरा वो ले लेता हूँ और टाइमर यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों इसने लगभग ये 57 सेकेंड में इसने रिमूव कर दिया है। अब इसकी क्वालिटी हम चेक करते हैं और HD में आता है कि नहीं। डाउनलोड पे आप क्लिक कर दिए, ये डाउनलोड आ गया है। अब चलिए हम इसकी क्वालिटी चेक करते हैं कितना आया है। तो ये वाला मेरा तीसरा नंबर का जो था ये है, दिखने में तो अच्छा लग रहा है। चलिए डिटेल्स में चेक करते हैं। तो दोस्तों देखिए ये 5 MB से लगभग 6 MB का रिजल्ट आया है, जो कि बहुत अच्छा है, मतलब आपकी क्वालिटी और रिजोल्यूशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है और इसका टाइमिंग भी लगभग 1 मिनट है, जो कि कोई ख़राब नहीं माना जाएगा परफॉर्मेंस। अब हम तीसरा वेबसाइट पे चेक करते हैं, ठीक है। अब जो दोस्तों ये तीसरा जो है रिमूवल AI, इस पर हम चेक करते हैं इसकी क्वालिटी और टाइमिंग परफॉर्मेंस कैसा है। तो चलिए इस पर क्लिक किया, चूज अ फोटो पर क्लिक किया और एक फ़ोटो ले लेता हूँ मैं, वही वाला पिक्चर लेते हैं। अब टाइमिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों इसने लगभग 1.5 मिनट ले लिया है। अब इसकी क्वालिटी डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड हाई क्वालिटी पे हम चेक करते हैं ये फ्री है कि नहीं या कुछ क्वाइंस वगैरह मांग रहा है। तो इसमें भी दोस्तों वही चीज है, 1 free credit, यानी कि एक फ्री होगा, बाकी उसके बाद फ्री नहीं मिलेगा आपको। ये समझ गए आपने, फ्री फॉर एवर, आपको साइन अप फ्री है एक ही चीज़।
एक ही मिलेगा, तो ये भी मुझे अच्छा नहीं लगा इसका। इसकी क्वालिटी है जो भी हो, लेकिन ये फ्री नहीं है, HD एक ही मिलेगा एक दिन में, तो क्या करेंगे। एक और नीचे है, इसको भी मैं चेक कर लेता हूँ, रिमूवल स्लेजर जो है इसको चेक कर लेते हैं। चलिए अपलोड इमेज पे क्लिक कर देते हैं, इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ एक में। अब टाइमर स्टार्ट कर देते हैं। कमाल है, इसने 25 सेकंड लगभग 26 सेकंड में रिमूव कर दिया, लेकिन मुझे लग रहा है अच्छी तरह से रिमूव नहीं किया है। मेरे पीछे में वो देख रहे हैं, यहाँ हैंड के नीचे में लग गया है। और इसको मैं डाउनलोड जो करूँगा यहाँ से, इसमें भी वही प्रॉब्लम है दोस्तों, 1 क्रेडिट और लेस फ्री, एक ही पिक्चर एक दिन में आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये भी, इसका भी मैं परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कहूँगा, क्योंकि कुछ भी हो एक पिक्चर से ज़्यादा आपको करने ही नहीं देता है। ठीक है, एक और देख लेते हैं। इसका भी टाइमर मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों इसने 30 सेकंड में लगभग रिमूव कर दिया है। अब HD में ये डाउनलोड तो करने दे रहा है कि नहीं, इसको चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ, तो ये दोस्तों ये HD में डाउनलोड करने दे रहा है। अब इसकी क्वालिटी मैं चेक करता हूँ कितना है। अब बैक जाता हूँ और ये नया वाला जो है इस पर क्लिक करता हूँ। और दोस्तों इसकी क्वालिटी आप चेक करिए, ये 5 MB से लगभग 4 MB कर दिया, मतलब रेजुलेशन कम कर दिया। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने जो आपको सबसे बेस्ट वेबसाइट बोला, उसका कंपेयर में ये सब बेकार है। यानी कि सबसे बेस्ट जो है दोस्तों ये एडोब का है, adobe.com जो है, यहाँ से आप करेंगे, ये अनलिमिटेड और फ्री भी है, जितना भी कर सकते हैं, और इसकी क्वालिटी ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। इतना समझ गए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करिए, और भी कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट्स करिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा। पिक्सेल लैब और YouTube से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।